मैं दिल्ली के लोगों को, नोएडा गाजियाबाद के लोगों को, एनसीआर के लोगों को और देश भर से दिल्ली जिनको आने का अवसर मिलता है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। अभी जब मैं टनल से गुजर रहा था तो मन में बहुत सी सारी बातें आ रही थी। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों की इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहर्निश प्रयास करता है। ये हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिक, मैं इन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जिस जीवंतता के साथ, परिश्रम के साथ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, जिन मेरे श्रमिक भाई बहनों ने अपना पसीना बहा है, वे सब, उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं।